निज प्रेमिका बोली कहुथिला आ प्रेमिका को बाहर बुलुथिबा मणिष रूपी राक्षस कबलरु रक्षा करबा बदल रे निजे पालटिथिला बलात्कारी एका नुहे निज छह जन सांगंक सह मिसी सैतान साजिथिला प्रेमिक आज्ञा हां कथाटी आमे एथिपाई कहुछु कारण कटक रे कॉलेज छात्री को बारंबार गण दुष्कर्म घटना रे सामना को आसीछि नुआ तथ्य छात्री जनक मिछ प्रेम जाल रे फसाई तांकर शारीरिक शोषण करबा पई योजना करथिला पुरुष बंधु आ शेषरे निजर छह जन सांगंक सह मिसी योजना को सफल भी करथिला खाली सेति कि नुहे दुष्कर्म बेलर वीडियो को वायरल करबा को धमक देई प्रेमिका बंधु रूपी पिसाच मानक पाखरे देथिला खाली सेति कि नुहे दुष्कर्म बेलर वीडियो को वायरल करि देबा को धमक दे प्रेमिका को बंधु रूपी पिसाच मानक पाखरे टेकी देथिला मात्र गोटे सप्ताह व्यवधान रे दुई दुई थर गण दुष्कर्म शिकार हेले कॉलेज छात्री प्रथमे पुरी घाटर एक कैफे एवं परे बारंगर एक स्थान रे अभियुक्त माने छात्री जनक शारीरिक शोषण करथिले सूचना मुताबक अभियुक्त माने एक सुचिंतित योजना अनुजाई कॉलेज छात्री जनक शारीरिक शोषण करिछंती एथिपाई समस्त मिसी करी योजना प्रस्तुत करथिले सेपटे ए मामलारे कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु जाई कमिश्नरेट पुलिस छह जन अभियुक्त को गिरफ करी कोर्ट चालान करथिबा बेले छात्री को आपत्तिजनक वीडियो अन्य केवाडे शेयर होईछि ना नाही जांच आरंभ करूछि पुलिस या व्यतीत ए घटनारे कैफे कर्मचारी शामिल थिबा हेतु कैफे को खूब शीघ्र सील कराजिबो बोली कहिसंती कटक डीसीपी एटा बदामबाड़ी थाना रे 4 नवंबर को गोटे केस रिपोर्ट हेतला ये केस रे सेक्सुअल असल्ट इंटिमिडेशन अबेटमेंट धारा रे आउ एससीएसटी एक्ट धारा रे हमारा केस हेतला ये केस हेला पर हमें एसीपी जोन 6 श्री स्वस्तिक पांडा ये केस रे इन्वेस्टिगेशन करुछंती तांकरा अंडर रे हमें दुईटा एसी को नहीं के आएसी बादामबाड़ी और आएसी पूरी घाट को नहीं गोटे स्पेशल टीम फॉर्म करथिलु एक्यूज माने को अरेस्ट करबा पई एज पर एफआईआर 6 लोको ये केस रे एक्यूज अछंती एफआईआर रु हमको जणा पड़ला कि से माने विक्टिम रे कौन सी ऑप्शन वीडियो पाई जाई थे ताकू दिखाई के से माने विक्टिम को ब्लैकमेल मध्य करू थे ताकू नहीं कि डिफरेंट डेट से दुईटा डिफरेंट डेट रे दुई दुई लोग विक्टिम को सेक्सुअल असल्ट कर थे आउ दुई लोग धमक चमक दे थे और अबेटमेंट रे से माने संपृक्त अच्छा हमारा प्रोएक्टिवली हमें तदंत कर लू फास्ट स्पीडी तदंत है 4 तारीख को केस है 5 तारीख को 3 लोग अरेस्ट है और फॉरवर्ड है कोर्ट रे आउ 6 तारीख को अन्य 3 लोग को अरेस्ट है कि फॉरवर्ड है छथि वास्तव चित्र किंतु आपण सुणिले आश्चर्य होई जिवे कैफे रे युवती जणकु प्रथमे दुष्कर्म करा जायतिला सत किंतु तांकर आपत्तिजनक वीडियो थिला एक बेआइन हुक्का बार सूचना मुताबक सांग मानक स निज जन्मदिन पालन करबा को आसीथिले युवती जणक जेउठारे नियमित भाबे निशा कारबार चालुथिबा नै लोके अभिजोग करबा स एक निर्दिष्ट वर्गर कॉलेज पढुवा पिला मानकर यहा थिला काले अड्डा स्थली एपरिकी विभिन्न समय रे युवक युवती माने एठाकु आसुथिले ओ उच्च स्वर रे गीत बजाइबा सह आपत्तिजनक कार्यकलाप रे भी लिप्त थिबा स्थानीय लोके सूचना दैछंती जे लाइन चली जु पदाक सब बाहरी के कर से 4-5 जन बसती 8 जन एम कत एम सब बसती सब भाषा व्यवहार मुझे ये घरटा अच्छी आ भाषा व्यवस्था मुझे जब कह चुप होपर तक तो अभ्यास गत सी आब नहीं गोटे मुझे कहली ये मनीष सुधीरबेन मुझे कहली ये पेटी स्पेस धंदाटे कहीं पशिल पिला मैंने तुम तो कलेज पिला पाठ पढ़ुच ये धंदाटे कहीं पशिल आमें आउ कौ धंदा बाछल ना मैं आउ कौ धंदा भल पैसा हेनी एथेर पैसा झील फि कथा ना झील आसती कौन मुझे भाई कलेज पिला आलेज पिला पेटिस फेटिस खावा दीज खंड मुझे देखी दीज आस कलेज पिला सांग आस पचारे हुक्का फुका तो टाणती हुक्का टाणती के मद भी टे खाई सब आड़ा मुझे बेस कथा कह भल डेंजर लोक गुराक ये मोटे गेट खोले ने गेट पूरा बंद बुझल यही सटरटा खाली अधा खोली दिखे कबाड़ा बंद हो रही ये जीव कबाट बंद बेले बेले बाहर ताला पकईदेव से भितर लोक थे तेरे से घर को भड़ा देते किंतु से ही घरे एभली कांड घटी नहीं से जानी ना कहते खुद घर मालिक अगस्त मस घर भड़ा देखिए पिला 10th श्रेणी पास बाबा माँ भी आम पाखे
କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖି, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ମାଗିଲେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ଆମେ ଏଠି କେହି ରହୁନୁ ବି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଘର ହେଉଛି ପିଇସିଙ୍କର, ପିଇସିଙ୍କ ଘର ପିଇସି ରହୁଛନ୍ତି କିରିପୁର ବିହାର ପାଖାପାଖି, ଆମେ ରହୁଛୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର। ତ ଆମର କାଠଡ଼ା ସେରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁ, ତା'ପରେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କେସ୍ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା ଥାନାରେ ଅଛି। ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମିଳିଲାଠୁ ତା ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଭସାଣି ଦିନ, ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ କହିଥିଲେ କ୍ୟାଫେ କରିବୁ, ଏମିତି ପେଟିସ୍ ଥଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ବିକିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁକା ପାଇଁ କୁହା ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖିକି କରୁଛୁ ସବୁ କହିକି ସେ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ କହିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ହେଇପାରୁଛି, କଟକ ଗୋଟେ ପୁରା ପପୁଲେଟେଡ୍ ସିଟି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇପାରୁଛି, ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବି ଭୁଲ ଆହୁରି ତାଗିଦ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏସ୍କେଲେଟ୍ ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିଜି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଝିଅଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ମୁଁ ନିଜେ ୱିମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କି ଏଥରକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲ ଆସିବା ଦରକାର, ଲ ଆସିବା ଦରକାର ମହିଳା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ କି କେମିତି କଡ଼ା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଡର ଭୟ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ସିସିଟିଭି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ବାହାନା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ, ପୁଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ସିସିଟିଭି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସହର ଭିତରେ 4 ମାସ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ ହୁକା ବାର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା କିପରି। କଟକରୁ ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।